रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, तो आयटा की पावर 37 प्लस 1 बाय आयटा की पावर 67, ठीक। तो इन दोनों को सॉल्व करना है, तो मैंने क्या किया, 37 को 4 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर देखा क्या जा रहा है, ठीक। तो रिमाइंडर आ जाएगा इसको 37 को 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर है, ठीक, वो क्या आ जाएगा तुम्हारा 1। तो ये बन जाएगा बेसिकली आयटा की पावर 37 बन जाएगा आयटा की पावर 1 प्लस, अब इसको 4 से डिवाइड किया तो 1 बाय, तो ये क्या बन जाएगा, 67 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर आता है 3, तो ये बन जाएगा आयटा क्यूब, ठीक, आयटा क्यूब। तो ये बन गया आयटा प्लस 1 बाय आयटा क्यूब। अब मैंने इसको आयटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया सिर्फ ये वाले पार्ट को, ठीक। तो ये बन गया आयटा प्लस, न्यूमरेटर में आयटा इंटू 1, तो दैट इज आयटा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, आयटा की पावर 1 इंटू आयटा की पावर 3, तो आयटा की पावर 4। अब याद करो आयटा की पावर 4 क्या होता है, हाँ जी, आयटा की पावर 4 क्या होता था, 1, बिल्कुल, चला जाएगा आयटा प्लस आयटा बाय 1, तो दैट इज आयटा प्लस आयटा, तो दैट इज 2 आयटा, तो इसका आंसर 2 आयटा चला जाएगा। इसमें कोई डाउट सॉल्यूशन में, प्लीज बताओ मेरे को, क्लियर हुआ, यस सर, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें क्या है, आयटा की पावर 49 प्लस आयटा की पावर 68 प्लस आयटा की पावर 89 प्लस आयटा की पावर 110, ठीक, ये चीज है, इसको सॉल्व करना हमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक, ध्यान से देखना क्या किया हमने, तो इसको पहले 4 से डिवाइड किया, तो 48 चला जाएगा रिमाइंडर 1, तो आयटा की पावर 1 चला गया। फिर 68 तो 4 से परफेक्टली डिवाइड हो जाता है, तो ये 1 चला जाएगा, ठीक। फिर 89 का 4 से डिवाइड करेंगे तो अगेन आयटा आ जाएगा, 1 चला जाएगा रिमाइंडर, तो आयटा की पावर 1 चला जाएगा। इसको 4 से डिवाइड किया हमने, ठीक, तो ये आयटा स्क्वायर चला जाएगा, आयटा स्क्वायर, तो आयटा प्लस आयटा 2 आयटा एंड 1, और आयटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो दिस इज योर माइनस 1, तो ये प्लस 1 एज इट इज एंड ये माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कटा तो 2 आयटा, इस तरीके से इसका भी आंसर 2 आयटा आ गया, ठीक। तो फर्स्ट का जो लास्ट ऑप्शन है उसका आंसर क्या जा रहा है तुम्हारा, 2 आयटा, हाँ जी, क्लियर हुआ जिसका ये डाउट था, yes, sir, किसी भी स्टेप में क्लियर है, अगर डाउट है ये यहाँ से कैसे आया, ये यहाँ से कैसे आया, तो प्लीज मेरे को प्लीज बताओ, ठीक है। फोर से डिवाइड करके देखते हैं, फोर से डिवाइड करके रिमाइंडर जो आएगा वो चीज बच जाएगा, ठीक। अच्छा, इसका रीजन क्लियर है कि क्यों फोर से डिवाइड कर रहे हैं, पहले ये बताओ मेरे को। नहीं, हाँ तो ठीक है, ये रटना नहीं है, फोर से डिवाइड क्यों करते हैं, ठीक, लेट्स सी आर्शिया, यस सर, आपको मालूम है फोर से डिवाइड क्यों करते हैं और रिमाइंडर जो आता है फिर वो लिख देते हैं, क्यों लिखते हैं ऐसा, ऐसा क्यों हो रहा है सर? ताकि हमें पता चल जाए कि जैसे अगर 8 है तो 8 तो डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है 4 से, तो मतलब हम उसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली आयटा की वो वाली वैल्यूज पुट कर दें कि आंसर हमारे को आ जाए। नॉट एग्जैक्टली मैं आप, हां जी ऐशिका, पावर 9, हमने अभी तक ये बोला कि 9 को 4 से डिवाइड करो, ठीक, 9 को 4 से डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर आएगा वो लिख दो, तो 9 को 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर आ गया 1, इसको आयटा की पावर 1, तो आयटा की पावर 9 की जो वैल्यू है आयटा की पावर 1 की वैल्यू के बराबर, हमने ये बोला, ठीक, लेकिन ऐसा क्यों हो क्यों रहा है, ठीक, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट रीजन, ऐसा हुआ क्यों, ठीक। अब हम पता क्या कर रहे हैं कि हम इसको आयटा की पावर 1 नहीं लिखेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ, देखो आयटा की पावर, इसको 9 को लिखा 8 प्लस 1, बेसिकली देखो 9 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया, ठीक, तो 9 इज डिविडेंड, ठीक, तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरा, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये मालूम है ना सबको, हाँ जी ये मालूम है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो 9 इज द डिविडेंड, ठीक, तो 9 को हमने लिखा, डिवाइजर क्या है 4, तो 4 इनटू सम क्वोशेंट, क्वोशेंट क्या आ जाएगा 2 प्लस रिमाइंडर 1, अब ध्यान से देखो मैंने 9 को लिखा ये चीज, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आयटा की पावर 4 इंटू 2 प्लस 1, तो ध्यान से देखो ये बन जाएगा आयटा की पावर 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय आयटा की पावर 1, तभी जाके ये पावर एड हो जाएगी ना, तो अब देखो ये जो चीज है इसको लिखा आयटा की पावर 4 की पावर 2 इंटू आयटा की पावर 1, अब ये आयटा की पावर 4 तो 1 होता है, राइट, तो ये सारी की सारी चीज 1 हो जाएगी, तो बचेगा आयटा की पावर 1, ये समझ, इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं अगर डाउट है। बेसिकली हुआ क्या,
ये जो फोर वाला पार्ट था, ये वाला जो फोर वाला पार्ट था ये रिमाइंडर बच जाएगा, ये जो फोर वाला पार्ट था ये आइटा की पावर फोर होके ये वन हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट तो वैसे वन हो जाएगा, तो बचेगा क्या आइटा की पावर वन, तो जो रिमाइंडर वाला पार्ट है वो बच जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ जरा मेरे को प्लीज। यस सर। नहीं देखो जबरदस्ती नहीं बोलना, अगर क्लियर है तो ही बोलना है, नहीं कोई भी हल्का सा भी डाउट है तो प्लीज पूछो, ठीक है मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। प्रणव क्लियर हुआ? ठीक है। नमन तेरे को ये पार्ट क्लियर हुआ? राजवीर? यस सर। ठीक है। सारशा साहेब श्योर है? क्लियर है, क्लियर है सर। ठीक, तो इसलिए फोर से डिवाइड करते हैं, ठीक, ताकि ये जो आइटा की बार फोर वाला पार्ट है ये वन हो जाए, ठीक, तो बाकी जो बचेगा रिमाइंडर वही हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो चलो अब आगे चल रहे हैं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन में डाउट है? हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन में किसी को डाउट है? नो सर। किसी को डाउट नहीं है? नो सर, हो गया था सर। इसको हमने इक्वल टू जीरो ही बताना था ना? हाँ, मतलब जो भी वैल्यू आ रही है वो रियल नंबर आनी चाहिए, वो इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी सर, जैसे जब हम एग्जाम्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करें अगर आए तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते कि हमें वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, आपको डायरेक्टली लिखना। ओके सर। हाँ जी ठीक है। अब जैसे ये देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या जा रहा है, ये तो वन हो गया, ठीक है, आइटा की पावर टेन, फोर से डिवाइड करके रिमाइंडर टू आ गया तो ये आइटा स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ऐसे ये आइटा की पावर 24 से परफेक्टली डिवाइड होता तो ये वन बन जाएगा। अब आइटा की पावर 30 फोर से डिवाइड करके रिमाइंडर टू होता तो ये प्लस आइटा स्क्वायर चला जाएगा, तो ये आइटा स्क्वायर माइनस वन हो गया, ये माइनस वन प्लस वन कटा, ये माइनस वन हो गया, माइनस वन प्लस वन कट के ये जीरो आ गया। तो बेसिकली सेकंड क्वेश्चन का आंसर जीरो जा रहा है, एंड जीरो इज अ रियल नंबर, ठीक, तो जीरो रियल नंबर होता है, हेंस ये जो टोटल चीज की वैल्यू बन के आएगी इट इज अ रियल नंबर। आई होप क्लियर हुआ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अब मेरे को थर्ड क्वेश्चन में बताओ कौन कौन सा पार्ट डाउट है। सेवंथ पार्ट। एक एक करके कौन सा सेवंथ पार्ट? यस सर। फिफ्थ पार्ट शोरे? यस सर, फिफ्थ पार्ट। शोरे आपकी आवाज कम आ रही है, प्लीज थोड़ा लाउडली बोलिए। सर फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट। और नीता सर एक ऊपर फर्स्ट में से पूछना था। हाँ जी पूछो, कौन सा? पावर क्या चीज जा रही है, ठीक है, मैं थोड़ी स्पेस बना लेता हूँ। हाँ जी, तो आइटा की पावर 592 प्लस आइटा की पावर 590 प्लस आइटा की पावर 588 प्लस आइटा की पावर 586 प्लस आइटा की पावर 584, ठीक, इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा अब ना एक चीज चेक करो, डिवाइडेड बाय, अच्छा डिनोमिनेटर पर पहले देखते क्या, आइटा की पावर 582 प्लस आइटा की पावर 580 प्लस आइटा की पावर 578 प्लस आइटा की पावर 576 प्लस आइटा की पावर 574, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखना प्लीज, इसमें और इसमें क्या फर्क है बताओ जरा। 10 का इसमें और इसमें 10 का इसमें भी 10 का डिफरेंस है, इसमें भी 10 का डिफरेंस है, इसमें भी 10 का डिफरेंस है। आई होप क्लियर हुआ? यस। तो मैंने न्यूमरेटर से क्या किया, हर एक टर्म से ये पांचों की पांचों टर्म से आइटा की पावर 10 कॉमन ले लिया। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 10 कम हो जाएगा तो ये बच जाएगा आइटा की पावर 582। ये समझ आया कैसे किया? यस सर। ठीक, प्लस यहाँ पे 10 कम हो जाएगा तो ये बचेगा आइटा की पावर 580 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा फिर आइटा की पावर 578 यहाँ पे बचेगा आइटा की पावर 576 फिर यहाँ पे बचेगा आइटा की पावर 574, ठीक, डिवाइडेड बाय नीचे तो क्या है आइटा की पावर 582 प्लस आइटा की पावर 580 प्लस आइटा की पावर 578 प्लस आइटा की पावर 576 प्लस आइटा की पावर 574। अब ध्यान से देखो ये पूरी चीज न्यूमरेटर वाली, एक सेकेंड सॉरी, हाँ जी, तो ये न्यूमरेटर वाली जो चीज है और ये डिनोमिनेटर वाली चीज क्या सेम जा रही है तुम्हारी? अब ध्यान से देखो। यस सर। इसको एग्जैक्टली काट सकते हैं, तो क्या बचेगा मेरा आइटा की पावर 10, दैट्स इट।
आई होप क्लियर हुआ। यस सर। तो न्यूमरेटर से बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, इसके न्यूमरेटर से हमने आयटा के पास 10 कॉमन ले लिया, देन आफ्टर दैट जो हमारा न्यूमरेटर था और डिनोमिनेटर में एक चीज सेम आ गई उसको हमने कट कर दिया, तो बेसिकली आयटा के पास 10 बचा। अब आयटा के पास 10 की वैल्यू क्या होती है, 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 होता है, तो इट विल बी आयटा स्क्वायर, तो आयटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो बेसिकली इसका आंसर क्या आ गया -1, बहुत सिंपल चला गया। ठीक, अच्छा अब ये समझो कि अगर मैं इस हर एक चीज की वैल्यू पुट कर दूं, ठीक, डिवाइडेड बाय 4 करके जो रिमाइंडर आ रहा है वो, उससे भी आंसर -1 आएगा, उससे अलग नहीं आएगा लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंथी चला जाएगा, क्योंकि मेरे को ये 10 की 10 वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5 सबकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, राइट। तो टोटल 10 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके इवैल्यूएट करूंगा तो जाके -1 आएगा। लेकिन अभी देखो एक ही स्टेप के अंदर अंदर हो गया, हमने आयटा के पास 10 कॉमन लिया, ऊपर नीचे काटा, आयटा के पास 10 बचा, और आयटा के पास 10 जो होता है उसको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 होता है, तो वो आयटा स्क्वायर के बराबर होगा, आयटा स्क्वायर हमारा -1 होता है, तो डन, इससे -1। समझ आया ये क्वेश्चन? किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बोलो। नो सर। हाँ जी नमन, क्लियर हुआ? नमन कहाँ है यार तू, तेरी आवाज नहीं आ रही। सर आयटा क्यूब की वैल्यू -1 है कि -i है? -i। देखो आयटा जो क्यूब होता है, ठीक, उसको मैं आयटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयटा लिख सकता हूँ ना, एंड आयटा स्क्वायर इज -1, ये बन जाएगा -1 इनटू आयटा, तो दैट इज -i। ठीक है, क्लियर हुआ? यस। ठीक 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 साहिब, तेरे को क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है ठीक है, अच्छा तो हाँ जी चले आगे चले, फिर ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ क्वेश्चन। यस सर। चलो देखो, देखो सेवंथ क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं हमारे, एक पार्ट है हमारा ये वाला, दैट इज 1 plus iota की पावर 6 देन 1 minus iota का क्यूब, ठीक, ये चीज, ठीक है, ये चीज है। एक्चुअली में ये जो है ना, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था कि तुम्हें बिना कराए, ठीक, क्या ये चीज हैंडल कर पाते हो या नहीं कर पाते, ठीक है। एक्चुअली में ये चीजें जो हैं ये आज हमें हैंडल करनी है, ठीक, बट स्टिल मैंने ये दिया था ये देखने के लिए, चेक करने के लिए कि कौन ये चीज कर पा रहा है कौन ये चीज नहीं कर पा रहा, तो इट्स गुड बाय द वे, रियली वेरी गुड अगर ये चीज आपने कर पा रहे हो, क्योंकि आपको फिर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये काफी अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक। तो ध्यान से देखो, अच्छा ये चीज मालूम है ना कि ये जो है पावर 6, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 plus iota की पावर 2 की पावर 3 ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर 6 बन जाएगा। इसमें किसी को कई बार होता है, इसमें डाउट आता है, बेसिक डाउट आता है, क्योंकि ये 8th 9th का कांसेप्ट है, अगर इसमें डाउट है तो प्लीज बोलो। बेसिकली मैंने क्या बोला, a की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर का क्यूब। हां ये चीज क्लियर हुई? यस सर। क्लियर है ये? ठीक ठीक ठीक। यस सर। ठीक है, हां गुड गुड। ठीक है, तो अब ये चीज अगर क्लियर है तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये 1 प्लस आयटा का स्क्वायर ये ओपन किया। देखो 1 प्लस आयटा का स्क्वायर क्या जाएगा, दैट इज a स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस आयटा का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 इनटू a इनटू b, तो 2 इनटू 1 इनटू आयटा आ जाएगा, ठीक, इस तरीके से। अब ये जो आयटा स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये बन जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये आयटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, और ये चीज चली जाएगी 2 इनटू 1 2, 2 इनटू आयटा, तो दैट इज 2 आयटा, तो ये कट जाएगा, तो दैट इज 2 आयटा। तो बेसिकली ये जो चीज है अंदर वाली चीज, ये बन गई 2 आयटा, तो 2 आयटा का बाद में हो रहा क्यूब, ठीक, इससे क्या होगा, ये 2 का क्यूब बन जाएगा और साथ में आयटा का क्यूब बन जाएगा, और 2 का क्यूब होता है हमारा 8, तो ये हो जाएगा 8 एंड आयटा का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस आयटा, ठीक, तो ये मल्टीप्लाई होकर माइनस 8 आयटा हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसका आंसर हमारा आया माइनस 8 आयटा। इसमें पूरी प्रोसेस में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बोलो। नो सर। क्लियर है ये चीज? यस सर। ऐशिका, सारिशा, राजवीर? यस सर, क्लियर है। सबको क्लियर है? क्लियर है, यस सर। ठीक ठीक ठीक। साहिब क्लियर है ना तेरे को ये चीज? यस सर। ठीक ठीक है, अच्छा चलो, अब हमने ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसके लिए हमें क्यूब करना पड़ेगा, तो 1 माइनस आयटा का क्यूब, ठीक। अब इसका क्यूब करने के लिए हमें a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो ध्यान से देखो, a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इनटू ए माइनस बी, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस आयटा का क्यूब माइनस 3 इनटू 1 इनटू आयटा
वन माइनस आइटा, ठीक। तो दैट इज वन का क्यूब क्या होता है वन, आइटा का क्यूब क्या होता है माइनस आइटा, माइनस आइटा इंटू माइनस प्लस आइटा, ठीक। ये बन गया तुम्हारा माइनस थ्री आइटा इंटू वन माइनस आइटा। अब ध्यान से देखो, ये वन प्लस आइटा एज इट इज, ये माइनस थ्री आइटा इंटू वन, तो माइनस थ्री आइटा एंड ये माइनस थ्री आइटा इंटू माइनस आइटा, ठीक। तो बेसिकली क्या जा रहा है, माइनस थ्री आइटा इंटू माइनस आइटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया थ्री आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर माइनस वन हो गया, तो ये बन गया माइनस थ्री, तो बेसिकली माइनस थ्री। ये चला गया तुम्हारा वन माइनस थ्री दैट इज माइनस टू, एंड ये दोनों मिलकर माइनस टू आइटा, तो बेसिकली ये चला गया तुम्हारा दैट इज माइनस टू आइटा। तो फर्स्ट वाली चीज जा रही है हमारी माइनस एट आइटा, सेकेंड वाली चीज जा रही है हमारी माइनस टू आइटा। तो टोटल चीज क्या फर्स्ट वाले पार्ट में, मतलब ये जो वन प्लस आइटा होल स्क्वायर बाय होल क्यूब है जो, हाँ जी हाँ जी, ये कैसे की एक बार ये वाला बताना। बेसिकली पावर सिक्स थी ना यहाँ पे, यस है ना, तो पावर सिक्स को हमने क्या किया, पावर टू की पावर थ्री लिख दिया, बेसिकली वन प्लस आइटा का स्क्वायर की टोटल की पावर क्यूब कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखो, एक सेकंड में दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इसको, इसको ऐसे लिखा, देखो वन प्लस आइटा की पावर टू एंड इस पूरी चीज की पावर थ्री। अब जब भी ये पूरी चीज की पावर होती है तो ये जो दो पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये रूल होता है हमारा एक्सपोनेंट्स का, राइट। तो ये पावर सिक्स को हमने टू का क्यूब लिखा, तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, वन प्लस आइटा का स्क्वायर कैलकुलेट किया। अब वन प्लस आइटा का स्क्वायर क्या होता है, ये चीज ध्यान से देखो, ये ठीक, तो वो होता है टू आइटा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली आइडेंटिटी लगा दिया हमने। तो ये जो चीज है अंदर वाली चीज, ये बन गई टू आइटा, फिर हमने टू आइटा का क्यूब कर दिया, तो टू आइटा का क्यूब इस तरीके से हमारा क्या जाएगा, माइनस एट आइटा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, टू आइटा का क्यूब क्या हो जाएगा, टू का क्यूब अलग से हो जाएगा, आइटा का क्यूब अलग से हो जाएगा, क्यूब एट हो गया, हाँ ठीक 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 है। अब हमें देखो क्या करना, क्या है, इन दोनों का सम करना है, ठीक। तो इन दोनों का सम करने का मतलब है ये चीज दैट इज माइनस एट आइटा प्लस ये चीज दैट इज माइनस टू आइटा करना है। अब आइटा आइटा वाली चीज आपस में ऐड हो जाएगी, तो ये माइनस टू एज इट इज एंड माइनस एट एंड माइनस टू मिलके माइनस टेन आइटा। आई होप ये क्लियर हुआ, ठीक। अच्छा, ये वाला जो लास्ट स्टेप है ये आज मेरे को बताना है, बाय द वे, ठीक, इस चीज के ऊपर हमें बात करनी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आइटा व आइटा वाली, याद है तुम्हें वो लाइक टर्म्स ऐड करते हैं अलजेब्रा में, हेलो प्लीज आपस में बातें नहीं करना पीछे, प्लीज क्लास के ऊपर फोकस करो। हाँ जी साइशा, ये मालूम है ना लाइक टर्म्स ऐड होती हैं? हाँ जी सर, ये पता है। ठीक, आशिया? यस सर। हाँ, लाइक टर्म्स मालूम है ना ऐड होती हैं? हाँ जी हाँ जी। राजवीर मालूम है? साहेब? यस सर। यस सर। हाँ, तो देखो ये जो आइटा वाली चीज है, ये वाली आइटा वाली चीज, एट आइटा वाली, माइनस एट आइटा वाली एंड ये माइनस टू आइटा वाली, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो माइनस एट एंड माइनस टू ऐड होके माइनस टेन बन जाएगा, इसलिए इसको माइनस टेन आइटा लिख दिया, और ये जो माइनस टू था ये एज इट इज। आई होप क्लियर हुआ अभी? यस सर। तो सर ये आंसर बस ऐसे छोड़ देना फिर? हाँ, दिस इज आंसर, माइनस टू माइनस टेन आइटा, ठीक। इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते बिकॉज ये जो दो चीजें हैं, ठीक, ये जो अभी एक सेकंड, हाँ, ये जो दो चीजें हैं हमारी, ये दो चीजें, दीज आर द अनलाइक टर्म्स, तो अनलाइक टर्म्स को तो ऐड कर नहीं सकते हम, तो इनको एज इट इज रखेंगे। ध्यान से देखो, मैंने ना आंसर की भी तुम्हें भेजी थी, देखो जरा ये फाइनल आंसर देखो क्या जा रहा है, माइनस टू माइनस टेन आइटा। क्लियर हुआ ये? यस सर। ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन था, इसमें सबकी अलग अलग वैल्यू निकालेंगे 20 तक? कहां पे? ये थर्ड का सिक्स्थ, हां जी ये वाला। एक तो ये काम कर सकते हो, ठीक, एक काम ये कर सकते हो आप कि वन से लेके 20 तक कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन इसका एक चीज मैं आपको, एक्चुअली मैं ना ये आगे जाके जब हम एक करेंगे ना वो एपी जीपी वाला चैप्टर, एपी वाला चैप्टर जो आज इस बार, सॉरी आज नहीं, इस बार हमारा आएगा एक सीक्वेंस सीरीज नाम का चैप्टर, उसके अंदर एक चीज होती है जीपी, तो एक्चुअली में ये जीपी है, जीपी का फॉर्मूला से ये बहुत ईजी चला जाएगा, बट अगर जीपी का फॉर्मूला ना भी लगाना चाहो उसके थ्रू, उसके बिना भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, एक आइटा के रिलेटेड चीजें हैं जो मेरे को आपको क्लियर करनी है, ठीक है। ध्यान से देखो ये चीज, सारे प्लीज फोकसली देखना, ठीक, इस चीज को समझने की कोशिश करना। हाँ जी,
तो अच्छा आपको इस चीज का मतलब मालूम है, फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर, फोर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब मालूम है क्या होता है, मतलब चार इकट्ठे इकट्ठे नेचुरल नंबर होने चाहिए, वो कोई भी हो, जैसे देखो 10, 11, 12, 13 ये भी फोर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, एक के बाद एक आने वाले, ठीक, 101, 102, 103, 104 ये भी फोर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, 257, 258, 259, 260 ये भी फोर कंसेक्यूटिव नेचुरल, ये चीज समझ आ रही है, फोर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, श्योर है? यस सर, श्योर है, क्लियर हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये फोर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को हम यूज कैसे करेंगे, बेसिकली मैंने क्या किया, आइटा की पावर, ठीक, ध्यान से सुनना, आइटा की पावर, लेट से मैंने कोई भी एक नेचुरल नंबर लिया, ठीक है, जैसे 1, आइटा की पावर 2, आइटा की पावर 3 प्लस आइटा की पावर 4। अब ध्यान से देखो, आइटा की पावर क्या किया हमने, ये चार नंबर जो किए, ये चार नंबर क्या है, दीज आर नथिंग बट फोर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, आई होप क्लियर हुआ। तो आइटा की पावर फोर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स करके हमने उनको ऐड कर दिया, ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी, ये क्लियर हुआ सबको? यस सर, ठीक। अब इसका आंसर जीरो जाएगा, इसका आंसर जीरो होता है, बेसिकली सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आइटा इज जीरो, ठीक, ये चीज जीरो जाएगी। अब देखो कैसे, देखो आइटा की पावर 1 तो आइटा रहेगा, आइटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बोलो, -1, बिल्कुल, आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आइटा, आइटा की पावर 4 की वैल्यू 1 प्लस 1, देखो ये माइनस आइटा प्लस आइटा के साथ कटा, ये माइनस 1 प्लस 1 के साथ कट के जीरो, समझ आया ये चीज? Yes, अच्छा, अब ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ 1, 2, 3, 4 के लिए चालू रहेगा, ठीक, ये किसी भी फोर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के लिए चालू रहेगा आपका, ये चीज प्रॉपर्टी ट्रू रहेगी, ठीक है, ध्यान से देखो, मैं अभी कोई भी एक और एग्जांपल आपको लेके दिखा रहा हूँ, ठीक, जिससे आपको ये चीज क्लियर हो कि ये चीज क्या है, ठीक है, ध्यान से देखो। अब ना एक काम करते हैं, ठीक, एक हाँ जी, देखो अब ना एक काम करते हैं, लेट्स से आशा, आशिया, यस सर, हाँ जी, कोई भी एक नेचुरल नंबर बोलो, कोई भी रैंडमली, 20, 20, तो आइटा की बार हमने 20 ले लिया, ठीक, अब 20 से फोर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लेने, तो आइटा की बार 21, आइटा की बार 22 एंड आइटा की बार 23, क्लियर है, फोर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लिए, उनको आइटा की पावर में लिखा एंड उनको एड करके देख रहे हैं ये क्या जा रहा है, ठीक। अब देखो 24 से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर जीरो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1, ठीक, अच्छा, ये चीज क्या बन जाएगी, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1, तो ये बन जाएगा आइटा, ये चीज ये 22 है, तो इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 जाएगा, तो ये जाएगा आइटा स्क्वायर, ऐसे ये 4 से डिवाइड करके ये 23 है, तो 23 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3, तो ये बन जाएगा आइटा क्यूब, और देखो ये 1 आइटा, आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ये क्या होता है, माइनस आइटा, तो प्लस आइटा माइनस आइटा कटेगा, 1 और माइनस 1 कटेगा, तो क्या बन जाएगा, 0, आई होप क्लियर हुआ, yes, sir. मेरा क्या है कि अगर आइटा की पावर के अंदर चार कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं और उन चारों का सम किया जाए तो वो चीज 0 जाएगी, ये चीज क्लियर हुई साहिब? यस सर, यस सर, ठीक है, अब इस चीज को याद रखो, हाँ जी, अब ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन था जो मेरे से पूछा था किसी ने, ये आइटा की पावर 1, 2, 3, 1, 2, 4, 6, 8 है, ठीक, ये 20 है, इस तरीके से जा रहा है, राइट, अच्छा, बाय द वे इसके अंदर यार एक्चुअली में जो चीज मैंने अभी बोली ना वो चीज आई थिंक, क्योंकि ये देखो जरा, ये इवन नंबर्स हैं, राइट, इवन नंबर्स ना यार थोड़ा सा पंगा हो जाएगा, ये चीज यहाँ पे लागू नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नहीं है, ठीक है, तो एक्चुअली में इट्स बेटर कि देखो इसको दो तरीके करने के, या तो इसको ओपन कर लो हर एक टर्म को, ठीक, या तो इसका फिर फॉर्मूला हमें पता हो, तुम में से कोई है जिसको जीपी पता क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, किसी को नहीं पता ना, हाँ फिर अभी रहने दो, ठीक है, तो बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, मैं फॉर्मूला वाला जो मेथड है वो नहीं मैं तुम्हें बताऊंगा, आई वुड से कि इसको ना ओपन ही कर लो, आई वुड से इसको ना हर एक टर्म को ओपन कर लो, ये किसका डाउट था वैसे, किसने पूछा था,
सारिशा मैं आई वुड से कि यार इसको ना जितनी भी टर्म्स हैं इसको ओपन ही कर लो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है जी, पीसी कैसे होगा? नमन हेलो नमन किसने बोला अभी जीपी से कैसे होगा? राजवीर यार जीपी का ना एक फॉर्मूला होता है, ठीक जीपी का फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो एक्चुअली में ये एक स्टेप में आ जाएगा। तुम लोगों को मालूम है एपी क्या होती है? सर जीपी मेरे को आती है, मैं तो वहां से कर लूं। किसने एशिका जीपी मेरे को आती है। अच्छा वो आपने उसमें कर रखी होगी ना, क्या कहते हैं आईसीएसई में सुबह भी आती है। वही सम का फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखो ना क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, इस वन को मैंने आइटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा, फिर इसको आइटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया याद आएगा, फिर इसको आइटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया याद आएगा, फिर आइटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो बेसिकली आइटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो दिस फॉर्म्स अ जीपी। अच्छा एक और चीज, जिनको जीपी नहीं आती है इट्स ओके, हमारा अभी एक दो चैप्टर्स के अंदर अंदर जीपी आ जाएगा, तब मैं आपको ये जीपी करके दिखा दूंगा, ठीक है? जिनको आता है ऑलरेडी मैं उनको बस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो जिनको नहीं आता जीपी, जिनको नहीं पता व्हाट इज जीपी, तो वो ये वाला जो अभी सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको इग्नोर मार सकते, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? सो इट्स ओके, हमारा चैप्टर है जीपी 11 के अंदर, जब वो करेंगे तब आपको आ जाएगा, ठीक है? ऐसे डरने की जरूरत नहीं। अब देखो जरा, अच्छा इसके अंदर टर्म्स बताओ जरा, कितनी टर्म्स जा रही हैं, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नहीं बिल्कुल नहीं, ध्यान से देखो, देखो ये जो है आइटा, ये एक टर्म आ गई, फिर ये पावर टू वाली टर्म है, देखो पावर टू वाली, पावर फोर वाली, पावर सिक्स वाली, पावर एट वाली, पावर टेन, पावर 12 जाएगा, पावर 14 जाएगा, पावर 16 जाएगा, पावर 18 जाएगा, पावर 20। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 टर्म्स तो हमारी ये चली गई, और ये एक वन को मिला के टोटल 11 टर्म्स जा रही है। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. तो लेकिन इसको ऐसे काउंट नहीं करेंगे, इसका तरीका होता है वो हम जीपी में देखेंगे इसको कैसे करते हैं, ठीक है? बट अभी आपको पता चल गया कि इस जीपी के अंदर टोटल टर्म्स कितनी है, 11, राइट? तो जीपी का सम का फॉर्मूला लगाती है, दैट इज ए आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। अब आर क्या, इसका कॉमन रेशियो क्या बताओ जरा जल्दी, कॉमन रेशियो क्या है इसका जीपी का? आयटा की पावर टू, बिल्कुल आयटा की पावर टू, ठीक। और फर्स्ट टर्म क्या है इसका? वन। तो ये एक जगह वन रखा, आयटा स्क्वायर की पावर, अब देखो ये आर की वैल्यू आयटा स्क्वायर आ गई, आयटा स्क्वायर की पावर टोटल एन, एन क्या जा रहा है हमारा 11, ठीक। तो 11 माइनस वन डिवाइडेड बाय आइटा स्क्वायर माइनस वन, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये आइटा स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, तो माइनस वन की पावर 11 माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन माइनस वन, ठीक। सो दैट इज माइनस वन की पावर 11 क्या हो जाएगा माइनस वन, तो माइनस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन माइनस वन, सो दैट इज माइनस टू बाय माइनस टू, तो द आंसर इज प्लस वन। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर जो है ये प्लस वन है, ठीक। ये देखो जरा क्लियर हुआ? तो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि जिनको जीपी नहीं आती उनको डरने की जरूरत नहीं है, हमारा जब जीपी का कंसेप्ट करेंगे तब आपको ये वाला फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करना है मैं तब आपको बताऊंगा, ठीक। अदरवाइज जिनको जीपी नहीं आती वो क्या करो, इसकी हर एक टर्म को लिख लो, ठीक। हर एक टर्म को लिखने का तरीका क्या है, सॉरी देखो ऐसे, हाँ जी, हर एक टर्म को लिखने का तरीका ऐसे देखो, एट वन प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा की पावर फोर प्लस आइटा की पावर सिक्स प्लस आइटा की पावर एट प्लस आइटा की पावर टेन प्लस आइटा की पावर ट्वेल्व प्लस आइटा की पावर फोर्टीन प्लस आइटा की पावर सिक्सटीन प्लस आइटा की पावर एटीन प्लस आइटा की पावर ट्वेंटी, ठीक। इस तरीके से देख सकते हो, देखो वन प्लस, इसकी वैल्यू जाएगी माइनस वन, इसकी वैल्यू जाएगी प्लस वन, इसकी वैल्यू जाएगी माइनस वन, इसकी वैल्यू जाएगी प्लस वन। अब ध्यान से देखो एक्चुअली में क्या है, इसकी वैल्यू माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, तो ये सब कट जाएंगे,
ये सब कट जाएंगे राइट, ये सब कटते जाएंगे, कट के बचेगा क्या ये फर्स्ट वाला वन, तो आंसर इज वन। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी सबको क्लियर हुआ ये क्या है? पक्का? ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए प्लीज। हाँ जी, तो आज के फिर होमवर्क में कोई डाउट नहीं है, इसमें और कोई डाउट नहीं है, क्लियर है ये सारा का सारा? देख लो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए, हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अभी तक जो हमने आयटा के बारे में पढ़ा है, इसके बारे में कोई भी मन में डाउट है तो प्लीज मोस्ट वेलकम पूछो। सर अगर आयटा की हम पार जैसे क्यूब ले लेते हैं, हाँ जी, एंड फिर जैसे साथ में ब्रैकेट में कोई और बड़ी वैल्यू है जैसे कोई 30 या 40 है साथ में, आयटा की पावर क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है कि प्लस हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 30 हो रहा है। ओके, तो फिर अगर नहीं पावर में, पावर में, अच्छा बेसिकली आयटा की पावर 3 की पावर 30, हाँ जी हाँ जी, ये आयटा की पावर 3 × 30 है, आप ये बोल रहे हो कि ये वाला बोल रहे हो? पहले वाला जो अपने, हाँ ये वाला, ठीक ठीक ठीक, हाँ जी। तो अब ये कैसे करेंगे फिर इस तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आयटा की पावर, देखो ना ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, ये मालूम है ना आपको, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 90 हो जाएगा। अब आयटा के बाद 90 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखेंगे वो आ जाता 2, तो ये बन जाएगा आयटा स्क्वायर और आयटा स्क्वायर माइनस 1 आता, तो इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू आएगी माइनस, ठीक है? तो मतलब यहां से सीधा आयटा क्यूब, अच्छा नहीं फिर वो तो आयटा क्यूब नहीं, माइनस आयटा 30 आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, आप आयटा क्यूब की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, इसका दूसरा मेथड जो आपने बताया, देखो आयटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयटा, इसको लिखा माइनस आयटा की पावर 30, ये कर सकते हैं ठीक। अब देखो ये क्या बन जाएगा, ये बेसिकली ये है माइनस वन, तो माइनस वन की पावर 30 अलग हो जाएगा एंड आयटा की पावर 30 अलग हो जाएगा ठीक। अब माइनस वन की पावर 30 क्या हो जाएगा आपका? वन, हाँ बिल्कुल प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि आयटा की पावर इवन, सॉरी माइनस वन की पावर इवन नंबर जो होता है वो प्लस वन होता है राइट। अच्छा अब आयटा की पावर 30 इसको हमने डिवाइड किया 4 से, तो रिमाइंडर कितना बचा? 30 को 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर बचा 2, तो ये बन गया आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर क्या होता है? देखो प्लस 1 * आयटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1, तो देखो आंसर सेम आ रहा है। ओके सर, ठीक है जैसे मर्जी करो आंसर आपका सेम आएगा, तो मल्टीप्लाई करके करो, चाहे आयटा क्यूब की पहले वैल्यू पुट कर दो, जैसे मर्जी करो आंसर सेम आएगा। हाँ जी क्लियर हुआ? यस सर। पक्का सबको क्लियर है? नमन, नमन भाई बात कर ले यार। अच्छा नमन का ना आई थिंक नेटवर्क इशू आ रहा है। यस सर। हाँ नमन नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? यस सर यस। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर वैसे भी ऑनलाइन डालूंगा तो वहां पर भी तू चेक कर सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक 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 ठीक, हाँ जी चले आगे चले आज। यस सर। चलो आगे चल रहे हैं, ठीक है, अब ध्यान से देखो, मेरे को ये चीज बताना अभी क्या चीज आएगी। ठीक है, तो कल हम ये चीजें डिस्कस कर रहे थे आयटा की पावर वगैरह वाली, ठीक, फिर 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता वही चीज बन जाएगी तुम्हारी, ये थोड़े से क्वेश्चन किए थे हमने, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो ये चीज, बेसिकली जिसके साथ आयटा लगा हुआ है ठीक, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक, जिसके भी साथ आयटा लगा हुआ है तो ये बन जाएगा इमेजिनरी नंबर, ठीक। अब जैसे आयटा प्लस आयटा तो ये बन जाएगा 2 आयटा, आयटा माइनस 3 आयटा, ठीक, तो ये लाइक टर्म्स हैं, सब्ट्रैक्ट होके ये माइनस 2 आयटा आ जाएगा, ठीक, जो नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसा ही रहेगा हमारा, ठीक, इसका जो अलजेब्रा है वो एज इट इज ही रहेगा, जो नॉर्मल हम मैथमेटिक्स में करते आ रहे हैं वही चीज, कि अगर आयटा प्लस आयटा हो रहा है तो सिंपली दोनों को ऐड करके 2 आयटा लिख देंगे, माइनस हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, दैट्स इट, ठीक है, नॉर्मल अलजेब्रा जो हमारा वही रहेगा, ठीक है। अच्छा आप ध्यान से देखो ये चीज, एक्चुअली में हमने आयटा को क्या डिफाइन किया था, आयटा क्या है, माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 1, दिस इज योर आयटा ना, हाँ जी, इसमें कोई डाउट? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक ठीक ठीक, ठीक है, मेरे को ना मतलब रिप्लाई करते रहना, ठीक, लेट इट बी एन इंटरेक्टिव सेशन, ठीक है, तो प्लीज रिप्लाई करते रहना, ठीक है ना, चुप नहीं करना है, हाँ जी। तो देखो
तो आईटा जो होता है वो अंडर रूट ऑफ माइनस वन होता है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, तो मेरे को ये बताओ अंडर रूट ऑफ माइनस फोर ये क्या होगा फिर? हाँ जी बताओ जरा, अंडर रूट ऑफ माइनस फोर क्या होगा? हाँ जी टू आई होगा, टू आईटा होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक, ध्यान से देखो जरा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो अंडर रूट ऑफ माइनस वन इंटू फोर, हाँ या ना? ठीक, अब याद है फोर जो है अंडर रूट के जब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा जी? टू, टू, तो ये बन जाएगा टू, और बचेगा क्या? ये वाली चीज, ये वाली चीज मतलब अंडर रूट ऑफ माइनस वन, और ये होता है हमारा आईटा, ये बन जाएगा टू आईटा। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, ये इनके अंदर हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यही चीज हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का बेस है ये स्ट्रॉन्ग करेगा। साहब क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक, श्योर है? हाँ जी, चलो। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, अगर आपको ये क्वेश्चन आया अंडर रूट ऑफ माइनस नाइन माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस सिक्सटीन, ठीक, तो इसका आंसर क्या जाएगा बताओ जरा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है तो नाइन का स्क्वायर रूट होके बाहर आ जाएगा थ्री, और ये बचेगा आइटा, अंडर रूट ऑफ माइनस वन बन जाएगा आइटा। ऐसे इधर से 16 का बाहर आके फोर हो जाएगा और ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस वन आइटा, एंड दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों सब्ट्रैक्ट होके माइनस आइटा आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ जी? यस सर। ठीक है, अच्छा चलो, अब हमें ना ये चीज पता चल गई कि जिनके साथ भी आइटा लगा होता है उनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक, जैसे रूट टू आइटा है, तो ये चीज आइटा, आइटा इसके साथ लगी हुई है। नॉर्मल नंबर के साथ हमारी अगर नंबर, रियल नंबर के साथ अगर आइटा लगा हुआ है तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 13 आइटा है तो 13 इज ए रियल नंबर, तो रियल नंबर के साथ आइटा लगा हो तो ये क्या बन जाएगा? इमेजिनरी नंबर। ठीक, ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक, ठीक है, तो हमने ना अभी तक दो टाइप के नंबर कर लिए, रियल नंबर, ठीक, जो जो हमारे नॉर्मल नंबर लाइन के ऊपर होते हैं, ठीक, जिसके अंदर क्या क्या जाता है हमारा, नेचुरल नंबर्स जाते हैं, रैशनल नंबर जाते हैं, इरेशनल नंबर जाते हैं, ठीक, इंटीजर्स जाते हैं, नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव जाता है, ठीक, जीरो जाता है, ये सारे के सारे रियल नंबर है। इसके पैरेलली हमने किया इमेजिनरी नंबर। ठीक, इसके पैरेलली हमने क्या किया? इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? जिनके साथ आइटा लगा होता है, आइटा का मतलब अंडर रूट ऑफ माइनस वन होता है जिनके साथ, ठीक, तो उन चीजों को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब पता क्या है, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ठीक, ध्यान से देखना, अब जो चैप्टर का नाम है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। अब ध्यान से देखो, जैसे एग्जांपल, मेरे पास एक रियल नंबर है टू और एक इमेजिनरी नंबर है आइटा, अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये जो चीज बन के आएगी टू प्लस आइटा, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ आया चीज? यस सर। हाँ जी, सबको क्लियर हुआ? ठीक, तो व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर पता चला? कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक, तो इस तरीके से हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। अभी तक हमने, कल जो हमने किया था वो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं किया था, वो हमने इमेजिनरी नंबर्स को समझना शुरू किया था। ठीक, क्योंकि इमेजिनरी नंबर को समझे बिना हम कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो आइटा का बिल्कुल बेसिक पार्ट देखना था, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज देखना था, फिर हमने आइटा की बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज को समझा क्या होता है, फिर उसके थ्रू अभी हम कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर को यूज करके, आइटा को यूज करके हम रियल पार्ट के अंदर जब उसको ऐड करेंगे, रियल नंबर के अंदर ऐड करेंगे, तो वो हमारा बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करेंगे। ठीक है, चले आगे? यस सर, बिल्कुल। ठीक है, तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर देखो हमें क्या क्या चीजें देखनी है। तो सबसे पहले तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिया क्या होता है। ठीक है, दिस इज नॉट द डेफिनेशन बाय द वे। ठीक, डेफिनेशन क्या है मैं पहले वो चीज बताता हूँ तुम्हें, तो उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो चले आगे चले, करें स्टार्ट? ओके सर, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो द नंबर बेसिकली, अब ध्यान से देखो, द नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आइटा बी
इस चीज को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ठीक, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। अब ध्यान से देखो ये चीज, ये क्या कहना क्या चाहता है, ठीक है, अब ध्यान से समझना इस चीज को। जैसे 2+4 आइटा, ठीक, अब मेरे को ये बताओ जो ये 2 है और ये जो आइटा के साथ चीज लगी हुई है दैट इज कोफिशिएंट इसका, तो 2 और 4 ये है तो रियल नंबर ना, यस सर, ठीक, तो ये दोनों रियल नंबर हैं और ये जो 4 है ये आइटा के साथ लग गया, तो ये टोटल चीज देखो 4 चाहे रियल नंबर है, ठीक, 4 रियल नंबर है लेकिन जैसे वो आइटा के साथ लगा तो ये टोटल चीज क्या बन जाएगी, इमेजिनरी, इमेजिनरी, ये इमेजिनरी नंबर चला जाएगा, टोटल इमेजिनरी नंबर चला जाएगा। नाउ दिस इज रियल नंबर एंड दिस इज इमेजिनरी नंबर, इन दोनों का एडिशन क्या जाएगा हमारा, ठीक, तो द नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आइटा बी, यानी कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, तो बेसिकली क्या बोल रहा है वो, नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आइटा बी, ए प्लस आइटा बी का मतलब क्या है, दैट इज नथिंग बट रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक, इस चीज को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप क्लियर हुआ, यस सर, ठीक, चलें आगे, यस सर, ठीक 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 है, चलो ठीक। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर को ना हम Z से डिनोट करते हैं, ठीक, याद रखना, तो Z, सॉरी, हाँ जी, तो Z इज इक्वल टू A प्लस आइटा B, इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेंगे, याद रखना, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको Z से डिनोट करते हैं, ठीक है, वेयर ए इज द रियल पार्ट, रियल वाला पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी वाला पार्ट, ठीक। अच्छा, अब जो रियल वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है यार, एक्चुअली ना मेरे को जेड के अंदर लाइन मारने की आदत है इसलिए बार बार मैं वैसा लिख रहा हूँ, बट हाँ, तो दिस इज रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक, एंड दिस इज कॉल्ड इमेज, रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब फिर आ जाएगा ए, ये जो ए है दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक, इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। ऐसे ही जो ये बी है, ये सिर्फ बी की बात करूं मैं, ठीक, इट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, तो बी जो होता है इट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जेड का जो इमेजिनरी पार्ट होता है बी, ठीक, इसमें बच्चों को समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, ठीक, तो ध्यान से समझना इस चीज को, क्या चीज मैं बोल रहा हूँ, ठीक, मैंने क्या क्या टर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं मैं खुद बता रहा हूँ, ठीक, देखो जरा, रियल पार्ट ऑफ जेड, सॉरी जेड के अंदर फिर मेरे को वही एक सेकंड, हाँ जी, तो रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक, देन रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक, एंड इसके अलावा जो चीज हमने इंट्रोड्यूस की है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, इसके अलावा जो चीज हमने इंट्रोड्यूस किया दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अब इसको ना एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, अज्यूम करो मेरे पास है 2+3 आइटा, ठीक, 2+3 आइटा, तो इमेजिनरी नंबर की इसमें से एग्जांपल क्या हो जाएगी, जैसे ये जो 3 आइटा है दिस इज एन इमेजिनरी नंबर, ठीक, इसके साथ ये जो 2 लगा हुआ है दिस इज अ रियल नंबर, ठीक। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अच्छा, अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक, एक सेकेंड, ये जो, हाँ जी, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक, Z, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, इसका रियल पार्ट क्या है बताओ जरा, इसका रियल पार्ट क्या है, 2, बिल्कुल सही, तो इसका रियल पार्ट चला जाएगा 2। अच्छा, मेरे को ये बताओ इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 आए, हाँ, यहीं पे गलती करते हैं बच्चे, तो याद रखना इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसके साथ आइटा नहीं आता है, ध्यान से देखो, ऊपर मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला इमेजिनरी पार्ट, मैंने क्या बोला, बी बोला या बी आइटा बोला, बी, यस, सो इमेजिनरी पार्ट जो होता है जो आइटा के साथ लगा होता है उस पर्टिकुलर चीज को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। आई होप क्लियर हुआ ये, यस सर, ठीक है ना, तो आइटा इमेजिनरी पार्ट, देखो इमेजिनरी नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों में फर्क है, इमेजिनरी नंबर के साथ आइटा आएगा लेकिन इमेजिनरी पार्ट के साथ आइटा नहीं आएगा, ठीक, तो ये जो इमेजिनरी पार्ट इसमें 3 होएगा फिर, एग्जैक्टली, इमेजिनरी पार्ट इज 3, बिल्कुल सही,
तो इमेजिनरी पार्ट देखो इसके थ्री है तो थ्री के साथ आइटा लगा हुआ है क्या? नहीं। तो बेसिकली जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो आइटा का जो कोफिशियंट होता है वो होता है, ठीक। तो बेसिकली इमेजिनरी पार्ट क्या चला गया? कोफिशियंट ऑफ आइटा इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप ये क्लियर हुआ। यस सर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आइटा का जो कोफिशियंट होता है उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक। एंड जो उसका रियल नंबर रियल पार्ट होता है वो दैट इज नथिंग बट द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरीके से बोलेंगे। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। अच्छा अब ध्यान से चले आगे चले फिर। यस सर। चलो आगे चल रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, ऐशिका क्लियर हो रहा है? यस सर। राजवीर? यस सर। सारिशा? साहिब? यस सर क्लियर है। हां जी साहिब क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक 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 है। श्योर है? हां जी सर क्लियर है। ठीक है ठीक है चलो आगे चलते हैं। ठीक है अब ध्यान से देखो, तो लेट से z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा b, ठीक। अब इसका रियल पार्ट इज a एंड इमेजिनरी पार्ट इज b, ठीक। अब सोचो, ठीक है मैं केसेस लेके जा रहा हूं। इफ रियल पार्ट, हाँ जी सारिशा प्लीज बताओ। अच्छा नहीं आपने हैंड रेज किया, मेरे को लगा डाउट है। सारिशा डाउट तो नहीं है? नहीं है सर, वो गलती अच्छा, से हो गया था। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी तो आई अंडरस्टैंड ये जो जूम चीज है ये आपके लिए नहीं है, ठीक। तो इट्स ओके अगर ये चीजें हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी तो अब देखो जरा, तो इफ रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो, ठीक। अब सोचो अगर किसी का रियल पार्ट है ही नहीं, जीरो है, ठीक। तो रियल पार्ट मतलब, अब ध्यान से देखो, जैसे इसका रियल पार्ट क्या है बताओ जरा? ए। तो यानी कि ए अगर जीरो हो गया तो रियल पार्ट जीरो हो गया, यानी कि इसके अंदर ए जीरो हो गया, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा बन जाएगा? जीरो प्लस आइटा बी। बिल्कुल जीरो प्लस आइटा बी बन जाएगा, यानी कि इट इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक। इन दैट केस कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो प्योरली इमेजिनरी बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसका रियल पार्ट है ही नहीं, रियल नंबर बचा ही नहीं उसके अंदर, ठीक। ऐसे ही इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो, ठीक। अगर किसी का कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट, अब इमेजिनरी पार्ट क्या है इसके अंदर, जेड के अंदर बताओ जरा? बी। बी तो अगर बी जीरो हो जाए तो सोचो जरा जेड क्या चला जाएगा? जेड चला जाएगा तुम्हारा ए प्लस जीरो आइटम, जीरो आइटम, क्योंकि बी की जगह जीरो आ गया ना, तो ये बन जाएगा सिंपली ए। तो दिस इज नथिंग बट प्योरली रियल। बिल्कुल। तो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, अब ध्यान से देखो ये चीज, मैं दोबारा चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जेड अगर मेरा ए प्लस आइटा बी है, इसके अंदर केस वन अगर ए जीरो हो जाए या केस टू अगर बी जीरो हो जाए, ठीक। तो ए जीरो होने का मतलब क्या है कि रियल पार्ट ही जीरो, ठीक। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इट विल बी प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी बन जाएगा। एंड अगर बी जीरो हो जाए यानी कि उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए, एक इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या बन जाएगा? प्योरली रियल। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ये चार्ट क्लियर हुआ अभी? यस सर। पक्का? किसी को कोई भी डाउट इसमें? नो सर। पक्का? सोच लो, कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज। ठीक 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 है। तो आज का एडिशन सबट्रैक्शन जो है ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन सबट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बेसिकली अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। एंड आज का होमवर्क मैं थोड़ी देर में अभी सेंड कर, ठीक है। तो बेसिकली जो आइटा वाली चीजें हैं उन्हीं के ऊपर आपका आज भी होमवर्क रहेगा, उन्हीं के ऊपर हम काम करेंगे, उसी के ऊपर पहले, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम जी। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम।